बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर फाइन। टुडे वी स्टार्ट आवर वर्क विद मैथ्स बुक क्लास 3। ओपन योर पेज नंबर 74। स्टूडेंट, आर टॉपिक नेम इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। हमने 3 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस टॉपिक की हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, आज हमने नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उन क्वेश्चंस में हमने 3 डिजिट को 2 डिजिट नंबर से आपस में मल्टीप्लाई करना है। नाउ मूव ऑन योर पेज नंबर 81। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट एंड डे। आप वो डेट एंड डे मेंशन करेंगे जिस डेट एंड डे पे आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। आज हमने डे 13 का वर्क स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, हमने 3 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि बहुत ईजी है और इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले 124 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन 3 वैल्यूज़ के साथ, वो ऊपर वाली वैल्यूज़ में हम लिख देंगे। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन 3 वैल्यूज़ के साथ, तो वो हम यहाँ नीचे लिख देंगे। फिर इन 2 वैल्यूज़ को हम आपस में प्लस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करके इसका आंसर आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 3 4s are 12, 3 का टेबल पड़ा 4 तक, 3 4s are 12, 12 का हमने 2 लिख दिया और 1 कैरी कर दिया। 3 4s are 12, 12 का 2 लिखा और 1 कैरी कर दिया, क्योंकि 2 वंस प्लेस थी और 1 टेंस प्लेस थी। मैंने 10 वाला कैरी कर दिया और वंस प्लेस को लिख दिया। इज़ इट क्लियर? आपने भी सेम इसी पैटर्न से करना है। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2s are 6, 3 का टेबल 2 तक पड़े, तो 3 2s are 6, 6 में 1 प्लस किया तो आ गया 7। स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने अपने टेबल्स को अच्छी तरह से रिकॉल करना है। जब आप टेबल्स को अच्छी तरह से याद कर लेंगे ना, तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी होगा। इज इट क्लियर? 3 2s are 6, 6 में 1 प्लस किया तो आ गया 7। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1s are 3, वो हमने यहाँ लिख दिया। इट मीन्स 3 को इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं या जीरो भी लिख सकते हैं। अब 1 को इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 4s are 4, 1 2s are 2, 1 1s are 1। आपने डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, इधर उधर डिजिट नहीं लिखना। 1 4s are 4, 1 2s are 2, 1 1s are 1। इज़ इट क्लियर? अब इन टू वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर लेना है। 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 में 4 प्लस किया तो आ गया 11, 11 में 1 लिखा तो 1 कैरी कर दिया। 3 में 2 प्लस किया तो 6, 6 में 3 में 2 प्लस किया सॉरी 5, 5 में 1 प्लस किया तो आ गया 6, और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इट मीन्स इन टू वैल्यूज़ को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 6 1 2। इज़ इट क्लियर? आपने भी इसी पैटर्न से अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करने। स्टूडेंट, आपने पेंसिल से सॉल्व करने, मैं यहाँ पॉइंटर से सॉल्व करूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए। इज़ इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर बी, 2 6 2 को मल्टीप्लाई करना है 18 से, तो सबसे पहले हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ के साथ। इज़ इट क्लियर? 8 2s are 16, 8 का टेबल 2 तक पड़ा तो आया 16, 16 का 6 लिखा और 1 कैरी कर दिया। 8 2s are 16, 16 का 6 लिखा और 1 मैंने कैरी कर दिया, क्योंकि 1s प्लेस मैंने लिख दी और 10s प्लेस को मैंने कैरी कर दिया। 8 6s are 48, 48 में 1 प्लस किया तो आ गया 49, 49 का मैंने 9 लिख दिया और 4 कैरी कर दिया, क्योंकि ये 10s place था, इसको मैंने कैरी कर दिया। 8 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 8 2s are 16, 16 में 4 प्लस किया तो आ गया 20, तो वो 20 मैंने पूरा लिख दिया, क्योंकि आगे कोई भी वैल्यू नहीं है। इज़ इट क्लियर? फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं और ज़ीरो भी लिख सकते हैं। इज़ इट क्लियर? 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 1 2s are 2, 1 6s are 6, 1 2s are 2। स्टूडेंट, आपने डिजिट के नीचे डिजिट लिखने हैं, आपने वैल्यूज़ को आगे पीछे नहीं लिखना। इज़ इट क्लियर? 1 2s are 2, 1 6s are 6, 1 2s are 2। अब मैंने इन टू वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर लिया। 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये 6 एज इट इज़ आ जाएगा। 9 में 2 प्लस किया तो आ गया 11, 9 10 11, 11 में 1 लिखा और 1 मैंने कैरी कर दिया। 6 में 0 प्लस किया तो आया 6, और 6 में 1 प्लस किया तो आ गया 7, 2 में 2 प्लस किया तो आ गया 4। इज़ इट क्लियर? सेम इसी पैटर्न से आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन टू वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4 7 1 6। इज़ इट क्लियर? रिमेनिंग क्वेश्चन आर सेम, आपने सेम इसी पैटर्न से अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 to 12 तक आपका होमवर्क है, या आपने एज अ होमवर्क अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करना है। होप सो ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।
आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।